आदमी को हर स्थिति में खुश रहना चाहिए, हर स्थिति में पॉजिटिव सकारात्मक रहना चाहिए। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जब से आया है तब से कुछ ना कुछ नया टूल लेके आया ही जा रहा है। जो लोग ज्ञानी है वो लोग काफी परेशान है, और जिन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है वो अपना जैसे हैं वैसे ही हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग एक कहानी सुनाऊंगा अभी आज के एपिसोड में, जिसे सुन करके आपकी आंखें जरूर खुल जाएंगी, आपको जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मेरे दोस्तों चैनल में लाइक लास्ट तक बने रहना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बात ऐसी है कि यह कहानी फ्रॉड से संबंधित है। जिस तरीके से एआई हम लोगों को आराम दे रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी ले आ रहा है, राइटिंग में हो गया, फोटो बनाने में हो गया, वीडियो बनाने में हो गया, एक से एक नए नए सॉफ्टवेयर लेके आ रहा है, तो उसका कहीं ड्रॉबैक भी है। इसके ड्रॉबैक से हो क्या रहा है कि जो लोग सामान्य जनता को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, एक जनता तो एक ही जैसी होती नहीं है, टूल तो सबके लिए बराबर है, चाहे आदमी खराब हो चाहे अच्छा हो। तो जो लोग खराब लोग हैं, जो लोग समाज के शरारती तत्व हैं, वो लोग इस टूल का यूज शरारत करने में कर रहे हैं, फ्रॉड करने में कर रहे हैं। तो मैं एक यूट्यूब पे एक कहानी देख रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो उसी में मेरे को एक कहानी मिली। उसमें ये मिला कि कैसे एआई के वॉइस क्लोनिंग का यूज किया जा रहा है। तो घटना ऐसी थी कि अमेरिका के किसी सिटी में एक माँ और एक बेटी रहते थे। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आपको उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। अमेरिका के एक सिटी में एक माँ और एक बेटी रहते थे। उनकी बेटी किसी काम से बाहर गई हुई थी। अचानक उसके माँ के नंबर पर अननोन फोन नंबर से फोन आता है, और उसी की बेटी की आवाज में, घबराई हुई आवाज में, डरी हुई आवाज में फोन आता है कि माँ मैं किडनैप हो रही हूँ, हो गई हूँ, और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे बचा लो। उसकी यह बात सुनकर के उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे आसपास कोई पुलिस स्टेशन हो या किसी को हेल्प के लिए अगर आवाज लगा सकती हो तो उसको हेल्प के लिए आवाज लगाओ। इतने के बाद वह फोन कट हो जाता है और महिला परेशान हो जाती है। वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरी बेटी के आवाज में एक अननोन नंबर से फोन आया था और मेरी बेटी का किडनैप हो गया है। पुलिस वाले चूंकि इस बात से वाकिफ थे, इस बात का ऐसी कई सारे केस में लोग रोज डील करते थे, उन्होंने कहा कि बहन जी, हो सकता है ये कहानी, हो सकता है जो ये फोन नंबर, जो अननोन नंबर से कॉल आया है, ये फ्रॉड हो सकता है। उसका जब डिटेक्शन किया गया, जो वॉइस डिटेक्शन किया गया, तो वह फ्रॉड ही निकला। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये फ्रॉड हुआ कैसे और किस तरीके से लोग एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वॉइस क्लोनिंग का रहता है, जिसमें मेरी जैसे हूबहू आवाज बना दी जाती है टेक्स्ट के द्वारा। मतलब हम कुछ लिखेंगे और वही चीज हमारी ही आवाज में बन जाएगी और उसे हम फाइल को सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में, और उसे जो जिस किसी को भेजना होगा उस नंबर पर भेज देंगे। अगर वो आवाज सुनेगा, मेरी ही आवाज है या आपके परिजन की किसी आवाज है, आपकी बेटे की, आपकी बेटी की है, आपके भाई की है, अगर वो डरी सहमी आवाज में आपको, आपके पास रिकॉर्डिंग आती है, तो क्या क्या होगा, आप खुद डर जाएंगे। आप, हो सकता है कि उस आवाज में ये कहा जाए कि इस जगह पे आ जाना, मैं यहाँ पे किडनैप हूँ, या मुझे वो लोग परेशान कर रहे हैं, मैं इस जगह फंसा हुआ हूँ। तो आप, हो सकता है उस जगह पे जाएं या उस लोकेशन पे जाएं, और हो सकता है आपके साथ उस लोकेशन पे कुछ गलत काम हो जाए, अनहोनी घटना हो जाए। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से वॉइस क्लोनिंग जो है, कहीं ना कहीं तो अच्छा है, कहीं ना कहीं खराब भी है। वॉइस क्लोनिंग का यूज क्या है, वॉइस क्लोनिंग का यूज क्या है, जैसे जो लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और जो लोग कार्टून का यूज करके वीडियो बनाते हैं, जो लोग अवतार का यूज करके वीडियो बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी वॉइस क्लोन करके टेक्स्ट लिख देते हैं और टेक्स्ट को उन्हीं की वॉइस में, वह स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसके बाद वो लोग एवेटार से उसको क्लोनिंग करके और उसका वीडियो बनाते हैं। आजकल देख ही रहे होंगे आप लोग यूट्यूब पे कितने सारे वीडियो चल रहे हैं, जहाँ पे केवल आंखें आंख आंख हिलती है, पलक झपकती है और थोड़ी थोड़ी गर्दन ऐसे ऐसे हिलती है। तो वो दोस्तों जो होती है ना, वो उस इमेज का यूज करके इमेज में वॉइस डाल दी जाती है, जिससे लगेगा आपको कि वह बिल्कुल वही आदमी आपके सामने बोल रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है, इसका कहीं कहीं सदुपयोग भी हो रहा है, कहीं कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। मेरे दोस्तों हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब इतने देश, विकसित देशों में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, तो हमारे देश में तो अभी उस टेक्नोलॉजी का इतना चलन ही नहीं चला है। जैसे ही वो टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे फ्रॉड बढ़ेगा, और जो लोग बेचारी भोली भाली जनता है, जो लोग अननोन जनता है, जिनके पता ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उनको इसका शिकार बनाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों बात है अवेयरनेस फैलाने की, जैसे आपको पता कोई बात लग गई तो आप इसके बारे में लोगों को अवेयर कीजिए।
तो मैं दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बताई हुई बातें और मेरा जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।